हम 2-3 दिन से देख रहे हैं सेठ जी अजीबो गरीब हरकतें कर रहे हैं। ऐसी हरकतें तो जंगली कुत्ते या फिर भेड़िए करें। आपने विभू को काट लिया क्योंकि उसके दाहिने हाथ में पट्टी बंधी है। नमस्ते भाभी जी। अनु तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो कि मैं भेड़िया हूँ? अपनी हरकतें देखी है तुमने? मैंने स्फूर्ति और ताकत के लिए वो सक्सेना की लेबोरेटरी से वो केमिकल पी लिया। What? अब वो केमिकल का नतीजा ये है कि गैस बन रही है, बहुत बुरी गैस बन रही है अम्मा। अरे क्या हुआ? तिवारी जी, आप यहाँ? आप यहाँ क्या कर रहे हैं भगवती जी? हम छोड़ने आए थे। क्या छोड़ने आए थे? गैस है? गेस्ट को छोड़ने आए थे। और आप? बस हम भी बस ऐसे ही मतलब गेस्ट को ही छोड़ने आए थे। लेकिन इतनी रात को आप क्या? ओ, 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 कौन गेस्ट आ गया तिवारी जी? अरे एक कमबख्त बिन बुलाया गैस मतलब गेस्ट जो हर शाम को आ जाता है, फिर उसे कमबख्त छोड़ने बाहर आना पड़ता है। हमारे घर में एक बिन बुलाया गेस्ट रोज चलाता है, उसको छोड़ने आना पड़ता। आओ आओ आओ। ये आप ऐसे मुंह काहे बना रहे हैं? आप मेरी नकल कर रहे थे तिवारी जी? नहीं, हम आपकी नकल काहे कर रहे हैं? मजाक कर रहे हैं आप? अभी मजाक कर रहे हैं? नहीं, मजाक नहीं कर रहा तिवारी जी, मैं बहुत तकलीफ में हूँ, बहुत तकलीफ में हूँ। अरे हम भी तो तकलीफ में ही हैं, बहुत बुरी तरह से गैस बन रही है पेट में। पेट में गैस का गोला छूटता है? हाँ छूटता है। आपके हाथ पाँव में भी ऐंठन सी होती है? होती है। आपको बेचैनी होती है? बिल्कुल होती है। आपकी आवाज के साथ साथ मुंह टेढ़ा मेढ़ा होता है? हाँ मुंह टेढ़ा मेढ़ा होता है। क्या बात करते करते आपके मुंह से भेड़िए की आवाज निकलती है? हाँ, इसका मतलब ये कि आपने भी उस सक्सेना की लेबोरेटरी का वो घटिया सा केमिकल पी लिया। तो मतलब आपने भी पी लिया? तिवारी जी, कुछ हल्का हल्का महसूस कर रहे हैं कि नहीं? हाँ, गुब्बारे जैसा फील हो रहा है। जब गुब्बारे में से हवा निकाल दी जाती है ना, तो कैसे हल्का हो जाता है, वैसा फील कर रहा है। एग्जैक्टली, मुझे भी सेम फीलिंग आ रही है कि मैं गुब्बारे की तरह डिफ्लेट हो चुका हूँ। आपने क्या हमें शेर चीता समझ रखा है जो जाल डाल दिया? ऐसो है महाराज, ना शेर समझ रखू है ना चीतो समझ रखू है, तुम दोनों के दोनों ससुर भेड़िया हो। हम कौन से एंगल से आपको भेड़िए दिख रहे हैं? और हमने कौन सी आपकी ऐसी कोई बकरी खा ली जो आप हमें भेड़िया कह रहे हैं? हमारी बकरी तो नहीं खाई, लेकिन एक खाती पीती हिरनी पे अटैक करो है तुम दोनों ने। खाती पीती हिरनी तो बस भाभी जी हैं इस मोहल्ले की, वो तो है नहीं। मैं क्या गई हुई है? ये क्या बकवास कर रहे हैं आप? वही तो खाती पीती हिरनी है भाई, शी इज द वन हु इज हेल्दी एंड नाइस। आई मीन ठीक है ना, अभी इतना भी अरे ज्यादा बकर बकर ना करो, हम गुलफाम कली की बात कर रहे हैं समझे। वो खाती पीती हिरनी नहीं है, वो तो खाती पीती हथनी है। वह हथनी होए चाहे हिरनी होए, तुम ससुर जो बताओ कि तुमने बाकी इज्जत पे अटैक करो है कि नहीं करो है। एक मिनट दरोगा जी, क्या बोल रहे हैं आप? बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं आप। ये बात सही है कि पहले मैं भी यही समझ रही थी कि विभू भेड़िया है, लेकिन एक्चुअली वो बिल्कुल निर्दोष है, कोई भेड़िया भेड़िया नहीं है वो। अरे ओ दरोगा तिवारी, आपकी अम्मा आ गई। ये का ड्रामा लगा रखा है? काहे हमरे बैल को जाल में फंसा रखे हो? अरे आप लोग कैसी बातें कर रहे हो, आप बातें ही नहीं समझ रही हो। अरे हमारा जो कैबो है कि जी दोनों के दोनों बहुत बड़े खतरनाक भेड़िया हैं, मोहल्ले में खतरों हो रहा है, इनको हम इसलिए चिड़िया घर पकड़ कर ले जा रहे हैं। आप उसी चीज समझने की कोशिश क्यों नहीं करते हैं? आर यू आउट ऑफ योर माइंड?
अरे गोरी मैम, हम आपको कैसे समझाएं? हमें बहुत बड़े सबूत मिले हैं कि ये दोनों भेड़िया हैं। अरे ओ दरोगा, तनिक अपना सकल शीशा में देखो, अब फिर इन लोगों का देखो, फिर खुदा ही फैसला ले लो कि ये भेड़िया दिखते हैं कि तुम। ऐसु है माता जी, हमें आप चाहे भेड़िया कह लो, चाहे शेर कह लो, कुछ भी कह लो, लेकिन हम इनको किसी भी कीमत पे अबे नहीं छोड़ सकते हैं। और आपको ज्यादा मन मचल रहा हो ना, तो 10 रुपये को टिकट लइयो और चिड़िया घर में आ जाइयो। चल चल। भेड़िया? ये भेड़िया नहीं, रज्जो है, मशहूर गुंडा। ये मास्क पहन के कई दिनों से इलाके में दहशत फैला रहा था, ताकि लोग रात को बाहर ना निकल सके और ये आराम से शराब की स्मगलिंग कर सके। अरे ए, हटा हटा, गड़बड़ हो गई। अरे दादा, तुम और यार जो बताओ, जब असली भेड़िया जो है तो निकर को सामने से है, तो तुम और सब ऐसे मुंह बना रही थी हैं? इधर आई आई, जो का हो रहा है? दिल ढूंढता है फिर वही मस्ती के चार दिन, खड़े रहे बैल्कनी में दीदारे भाभी जी किए हुए। भाभी जी कितने दिन हो गए, अब तो वापस आ जाइए, आपके बगैर अब रहना बहुत मुश्किल है। हाँ भैया, कौन बोल रहे हो? भरभूति जी बोल रहे हैं। क्या 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 कहा आपने? हमने कहा भरभूति जी बोल रहे हैं का? आप भाभी जी बोल रही हैं ना? हाँ, हम अंगूरी बोल रहे हैं। गॉड गॉड, नहीं आप भाभी जी नहीं बोल रही हैं। किसी ने मेरे साथ कोई हसीन मजाक किया है, भाभी जी नहीं बोल रही हैं। नहीं, हम मजाक नहीं कर रहे हैं, हम अंगूरी ही बोल रहे हैं। Who is spitting that side? It's not spitting, it's speaking. सही पकड़े हैं। क्या कहा आपने? सही पकड़े हैं। एक बार फिर से बोलिए। हाय दया भरभूति जी, सही पकड़े हैं। ओ गॉड, मैं पहचान गया, भाभी जी हैं। कितने दिनों बाद आपकी आवाज सुनी, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं रोऊं कि हंसू। भाभी जी ना, आपके बगैर आपकी बैल्कनी में देखने का दिल नहीं करता, और कभी दिल मार के देखता भी हूँ तो वही मनुष्य चेहरा सामने आता है, उस कच्चे बनियान का। भरभूति जी, ये क्या बात कर रहे हैं आप? I'm sorry, I'm really sorry. लेकिन भाभी जी, आज आपने मुझे फोन किया, इसका मतलब ये कि आपको मेरी याद आ रही थी? नहीं, हमको आपकी नहीं, लड्डू के भैया का याद आ रहा था। और क्या है कि लड्डू के भैया का फोन नहीं लग रहा था ना, तो हमने आपको फोन कर लिया। आप जरा हमारी बात लड्डू के भैया से करवाइए ना। भाभी जी, आप मुझसे बात कीजिए ना, टॉक टू मी। लड्डू के भैया कहाँ है, उनसे बात कराइए ना। पता नहीं कहाँ मर रहे हैं। क्या बोले? भाभी जी वो घर पे नहीं है। प्लीज भाभी जी, यहाँ आपके चाहने वाले आपका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, आप कब आ रही हैं? हाँ, हम बहुत जल्द आ रहे हैं, आप लोग चिंता नहीं कीजिए। अच्छा, अब हम रखते हैं, शाम को कॉल करेंगे, तो हमारी बात लड्डू के भैया से करवाइएगा, ठीक बा? हेलो भाभी, हेलो माय गॉड, भाभी जी आ रही।
अबे टिल्लू खाली कप लेके जावे। ओहो, हाँ नवीन बाबू कैसे हैं? हाँ हम तो ठीक हैं भाई। भाई माफ करना, कुछ दिन पहले तुम्हारा जन्मदिन था, हम मुबारकबाद देना भूल गए थे। आपको जन्मदिन की बहुत बहुत मुबारक हो भाई। 50 साल पुराने हो गए लेकिन नाम नवीन है। हाँ सुनाओ, क्या हम सुनाए, क्या सुनना चाहते हैं आप? अच्छा, सामने वाली भाभी जी के बारे में। भाई क्या बताएं, सामने वाली भाभी जी तो हमारी दीवानी है। क्या घास नहीं डालती हमें? नवीन बाबू, ये जो सामने वाली भाभी जी है ना, उनका गुजारा हमारे बिना होता नहीं है। क्या बकवास कर रहे थे भाभी जी? अरे बिल्कुल सही कह रहे हैं भाई, हमारे बिना तो उनके घर का पत्ता भी नहीं हिलता। नहीं वो क्या है ना यार, उनके पति जो है वो काम धंधा तो कचू करते नहीं है, नल्ले हैं। तो बस यूं समझ लो कि वो पूरी तरह से हम ही पर निर्भर है। शी इज फुली डिपेंडेंट ऑन मी। क्या ओल्ड चलोल बोले जा रहा है आदमी, व्हाट इज ही टॉकिंग? बस यूं समझ लो नवीन बाबू कि जब भी घर से निकलती है ना वो, तो पहले हमारी इजाजत लेके निकलती है। मैं इजाजत लेकर निकलती हूँ? बस कुल मिला के यूं समझ लीजिए नवीन बाबू कि हमारे वजूद की बदौलत ही भाभी जी का वजूद है। अच्छा, बड़ा गुरूर है ना अपने वजूद पर। अगर ये गुरूर मैंने मिट्टी में ना मिला दिया ना, तो मेरा नाम भी अनीता नहीं। चलिए फोन रखते हैं, बाद में बात करेंगे। हाँ ये भाभी जी की सुगंध कहां से आ रही है? कहीं भाभी जी तो नहीं आई यहां? भाभी जी की सुगंध इतनी तीव्र है कि वो बालकनी में भी खड़ी हो जाती है तो पूरा मोहल्ला महक उठता है। क्या है, क्यों यहाँ पर पैर लगाए हुए? हाँ, ये ड्राइंग रूम में बैठने का तरीका है, हटो यहाँ से। अरे यार, हटो जस्ट। ओके ऑलराइट, कहाँ से आ गई इतनी तपी हुई यार? तिवारी जी, एक नंबर की घटिया इंसान है। कोई नई बात करो यार, दुनिया को मालूम है, बच्चा बच्चा जानता है कि बड़े घटिया किस्म के आदमी। वो ओछे हैं एक नंबर के। बहुत ओछे हैं, सब जानते हैं बहुत ओछे। ऐसी शेखी बगाड़ते, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, और एक्चुअली एकदम गिरे हुए इंसान है। लेकिन डाली जी, काम डाउन, काम डाउन। ऐसा क्या हो गया, तुम इतने नाराज क्यों तिवारी जी से? अरे मैं अपनी ग्रूमिंग क्लासेस से लौटते वक्त तिवारी जी के घर चली गई। मैंने सोचा चलो अंगूरी जी की राजी खुशी पूछ लेती हूँ, पूछ लूँ कि कब आ रही हैं, क्या हो रहा है। और वहां जाती हूँ तो पता है तिवारी जी क्या बोल रहे थे? क्या बोल रहे थे? बोल रहे थे कि अनीता भाभी और विभूति जी का मेरे बगैर कोई वजूद ही नहीं है। What? Yes. पता क्या बोलते हैं? बोलते हैं कि वो विभूति जी तो नल्ले हैं, नल्ले। और भाभी जी तो हम पे डिपेंडेंट हैं। अगर हम ना रहें तो उनका क्या वजूद है? मैं इस आदमी का वजूद नेस्त नाबूद कर दूंगा, तहस नहस कर दूंगा, खत्म कर दूंगा। I'll kill this man. अरे क्या कर रहे हो? Sit down. खून करोगे उनका? Sit down. देखो जितना गुस्सा तुम्हें आ रहा है ना, उससे डबल गुस्सा मुझे आ रहा है। मेरा भी मन कर रहा है कि उनका गुरूर तार तार कर दूं। लेकिन that's not the way ना विभू। And what's the way? सुनो। भाभी जी घर पर हैं? और भाभी जी कैसी हैं आप? अरे विभू, मैं तुमसे क्या कह रही थी, वो बाथरूम है ना, बाथरूम में बड़े गंदे कपड़े पड़े हुए हैं, भूलना नहीं हाँ, उनको निकाल देना। डोंट वरी, कर दूंगा बाबा। भाभी जी हमें हम आप हमसे बात का ही नहीं कर रही हैं। देखो तुम्हें ऐसा नहीं लग रहा कि इस रूम से सडनली अचानक ही सड़े हुए
मरे हुए चूहे की बदबू आ रही है। राइट, और ये बदबू इस तरफ से आ रही है ना, जो भपका आ रहा है उस बदबू का इस तरफ से आ रहा है, I don't know कहां से। आई थिंक हमें रूम फ्रेशनर डाल देना चाहिए। I'll put it, डाल दूंगा। क्या हुआ भाभी जी, आप हमें कोई वैल्यू ही नहीं दे रही है, कोई गलती हो गई क्या हमसे? मैं बहुत थक भी गई हूँ, मुझे लगता है ना मुझे एक हॉट शावर ले लेना चाहिए। ऐसे भी इस रूम से इतनी बदबू आ रही है, गॉड जिसको। भाभी जी, भाभी जी। अरे क्या हुआ भभूति जी, भाभी जी हमसे बात काहे नहीं कर रही है? डार्लिंग तुम नहा के निकलो, मैं तुम्हारे लिए बढ़िया से कॉफी बना कर रखता हूँ। ओके ठीक है। या बेबी या श्योर भभूति जी। अरे भभूति जी यार क्या हो, दोनों हमसे बात काहे नहीं कर रहे, हमारी बात सुन नहीं पा रहे हैं क्या, क्या हो रहा है ये? सक्सेना भैया, हाँ एक बात पूछनी थी आपसे। क्या पूछना है, मुहूर्त निकाल के पूछेगा? भैया मुझे एक नौकरी दिलवा दो ना, अच्छी सी शानदार सी। अबे ऐसी क्या जरूरत पड़ गई तुझे नौकरी की? अब कहा बताओ भैया, जिस भी लौंडिया को मैं ना शादी के लिए ऑफर करता हूँ ना, वो मुझसे एक ही सवाल पूछती है कि मोटे कितों का मातो है। बस भैया ये सुनकर है ना मेरे मुंह पर है टांके लग जाते टांके। चिंता मत कर, तेरे लिए एक बहुत अच्छी नौकरी है। क्या बात कर रहे हो भैया, पागल खाने में पागलों को नहलाने की नौकरी है। भैया ये नौकरी तो आपने विभूति भैया को दिलवा दो। लौंडे कौन सी नौकरी दिलवा रहा है? अरे भैया इस लौंडे ने मुझसे कहा कि इसको नौकरी की सख्त जरूरत है, मैंने कहा कि पागल खाने में पागलों को नहलाने की जॉब खाली है, तो कहता है कि उस नौकरी के लायक ये नहीं है, आप हैं। तो आपको दिलवा दूं। और भाई हंसी ठट्टा चल रहा है, पंचायत बिठा रखी है तुमने है? विभूति भैया आप, मुझे तो लगा था कि आप मेरी बात सुनकर मेरे कान के नीचे जोरदार लपड़ मारोगे, लेकिन आप तो हंस रहे हो। क्यों लौंडे ऐसी क्या बात कह दी तूने? पर टीका क्या है कि देखो सिचुएशन देख के मैं रिएक्ट करता हूँ। अब तुमने जो बात मुझसे कही थी, दिल तो कह के खींच के लपड़ मारू तुम्हारे मुंह पे। लेकिन क्या है कि सिचुएशन वैसी नहीं थी। जरूर इसने आपको नल्ला कहा होगा, है ना? देखिये भैया एक बात है, मुझे एक बात बहुत बुरी लगी, आपने मुझे भी थप्पड़ नहीं मारा भैया। लो भी लो। I like it. अरे यार हम क्या बेवकूफ हैं? हैं? पागल हैं? हम इतनी देर से आपसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप हमारे को वैल्यू नहीं दे रहे हो, हमारा कोई वजूद नहीं है क्या यार? अच्छा भैया सुनिए ना। कहाँ से सुना जी? कहिए ना। विभूति भाई मैं आपसे एक बात कह रहा था। हाँ तो कहिए ना। मैं ये कह रहा था कि बेचारा लड़का बहुत ज्यादा शादी के लिए भिन्नाया हुआ है, कुछ करते क्यों नहीं आप इसके लिए? लौंडे एक लड़की है हमारी नजर में तुम्हारे लिए, बात चलाए क्या? विभूति भैया प्लीज मेरी शादी करवा दो ना भैया। भैया मैं बहुत बेताब हो रहा हूँ भैया। भैया प्लीज भैया देखो ये जिंदगी भर मैं ये एहसान नहीं भूलूंगा भैया आपका, प्लीज भैया। ये क्या बदतमीजी है। अरे महाराज ठहर जाओ ठहर जाओ। अरे दादा और भैया विभूति का महफे जमा रखी है सक्सेना टीका और भैया विभूति ने। आओ दरोगा जी कैसे हैं आप? अरे बस कछ ना पूछो, कट रही है भ्रष्ट लोगों के बीच में कट रही है बस। दरोगा जी देखिए ना इन लोगों ने हमें बेवकूफ समझ रखा है, हम इनसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये हमें वैल्यू ही नहीं दे रहे, बताइए। और सुनाओ भैया विभूति काम धंधो कैसे चल रहे महाराज? खैर इनसे का पूछे ससुर, इनके पास तो काम धंधो है ही नहीं है। गुड जॉब गाइस। ये लो अम्मा नाश्ता कर लो। ये बैल के पिताजी का फोन भी ना नहीं लग रहा है। कौन बैल के पिताजी अम्मा? हमरे पति। हाँ आपने बैल से शादी कर रखी है? कब बक रहा है रे? हमरे पति को बैल बोलता है? आपने तो बोला बैल के पिताजी,
हमने सोचा बैल का पिता बैल ही होगा। अरे तुमरे सेठ जी को हम बैल नहीं बोलते हैं का बकलोल? हाँ ये तो है, हमारे सेठ जी बैल ही तो हैं। प्रणाम अम्मा, जावे नाश्ता लेके हमारे लिए। अम्मा सुबह से देख रहे हूँ आपका बैल कहीं नजर ना आ रहा। अबे ओ अंधे, हम यहाँ बैठे हैं नजर नहीं आ रहे तुझे? होगा कहीं आवारा गर्दी करता। हाँ ये तो है। अरे यार ये अम्मा और टिल्लू भी हमें देख नहीं पा रहे हैं और ये तो हमें सुन भी नहीं पा रहे यार, ये हो क्या रहा है? दिखा जरा कैसा नाश्ता है। ये लो अम्मा। ऐसी पूरी सब्जी बनाने के लिए सेठ जी ने कहा था। हाँ अम्मा उन्होंने कहा था कि पूरी सब्जी में इतना नमक डालियो, इतनी मिर्ची डालियो कि खाते ना बुढ़िया के तोते उड़ जाएं। अम्मा बकवास कर रहा है, झूठ बोल रहा है। बैल को आने दो, के हाथ पाव तोड़ के उसके हाथ में ना दिए ना तो बताना। हाँ अम्मा ये क्या नाटक चल रहा है? तू यहाँ बैठ के का बकर बकर कर रहा है? कल के पार्टी की तैयारी नहीं करनी है का? पार्टी की तैयारी? अम्मा ये किस खुशी में पार्टी है? अरे कल बैल के पिताजी का जन्मदिन है। हाँ? हाँ, जा जा जल्दी। अरे अभी पूरे मोहल्ले में बता के आ रही हूँ, सबको बता के आऊंगा। अबे कल 1 अप्रैल को हमारे पिताजी की का जन्मदिन है और अम्मा सबको देख पार्टी दे रही है, तो मतलब अगर हम गायब हैं तो वो हमें देख नहीं पाएंगे और जब वो हमें देख नहीं पाएंगे तो हम उनका करेंगे पर्दाफाश।